नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पुलिस जिला नवगछिया में अपराध का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताज़ा मामला नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत कदवा ओपी थाना क्षेत्र के बोरवा टोला कदवा का है, जहाँ शनिवार की देर रात्रि हथियार से लैस अपराधियों ने दादा और पोता को गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। मृतक की पहचान बोरवा टोला निवासी लक्ष्मण राय के 7 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार और लक्ष्मण राय के पिता दशरथ राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी परिजनों को रविवार की सुबह मिली, जब घर वाले दशरथ राय और कृष्ण कुमार को जगाने के लिए गए थे। वहीं मृत अवस्था में दादा और पोता को देखकर परिजन बदहवास हो गए और वहां चीख पुकार मच गई, जबकि घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। इधर घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार, कदवा ओपी प्रभारी मुकेश सिंह, ढोलवज्जा थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार आनंद फानन में दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। काफी दुखद है, मर्माहत भी है, हम उसी में आए भी घटना सुनते हैं। दादा जिसकी उम्र लगभग 65 ईयर्स हो गया है न, और पोता बगल में साथ में सोया हुआ था जिसका उम्र 7-8 साल होना चाहिए। हत्या दोनों को हुई है। हम लोग बात किए हैं घर वालों से, किसी पे कोई शक शुभा जाहिर नहीं किए, इनके साथ कोई विवाद होने की बात नहीं बता रहे। घटना किसने किया है वहाँ तक पहुँचें, उसे गिरफ्तार करें, साक्ष्य को इकट्ठा करें। अब महत्वपूर्ण है साक्ष्य इकट्ठा करना, क्योंकि घर वाले को कोई जानकारी नहीं है, किसी शक शुभा नहीं है, हमारे लिए और चुनौती बढ़ गई है। इसको लोग भरोसा कर जल्दी कर लेंगे। भागलपुर में गोली कांड जैसे अब आम बात हो गई है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। ताजा मामला भागलपुर के सदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर बोर गांव की है, जहां भोज खाने के लिए जाने के दौरान बहस के बाद हमलावर ने उसके बेटे के सामने ही उसकी हत्या गोली मार कर कर दी। वह इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल है, जबकि मृतक अनिल झा के पुत्र का कहना है कि शनिवार की शाम 6 बजे उसके पिता गाँव के बगल में भोज खाने जा रहे थे, तभी दरियापुर दुर्गा मंदिर के पास दरियापुर के पीयूष ठाकुर से उन लोगों की बेवजह बहस हो गई और इसी बीच पीयूष का चाचा बजरंगी ठाकुर वहां हथियार लहराते हुए आया और उसके पिता अनिल झा के सीने में गोली मार दी। इसके बाद कुछ ही देर में अनिल झा की मौके पर ही मौत हो गई। इधर जैसे ही गोली मारने वाले बजरंगी ठाकुर को लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पीछे से लाठी डंडों से प्रहार शुरू कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदौर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। हम लोग उस जगह पे खड़े थे ब्राह्मण जमने के लिए जा रहे हम लोग ब्राह्मण जमने के लिए जा रहे थे उस जगह से हम लोग से बाती बिता जो हो रहा था बात विचार हो रहा था, बजरंगी ठाकुर जो है उधर से दौड़ के गया, उधर हथियार लेके वो आया। मतलब आप लोग एकजुट बैठे हुए थे, आपसी विवाद ऑटोमेटिक होने लगा, लोग ऐसे हंसी मजाक से तो उसको देखाने के मतलब हथियार लेके उसको लगा कि मेरा भतीजा है ये। अच्छा अच्छा, हाँ ये लोग इसको बोल रहा है। भतीजा का नाम क्या? उसका भतीजा का नाम हुआ पीयूष ठाकुर। पीयूष ठाकुर उर्फ चिट्टू है। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर वो मतलब आया और वहाँ से हथियार मतलब हथियार लेके आया बजरंगी ठाकुर। हाँ बजरंगी ठाकुर हथियार लेके आया, मेरा पापा पे वहाँ पे गोली चला दिया। इन दिनों किसी भी छोटे मोटे विवाद या घटना पर अक्सर बड़ा हंगामा देखने को मिलने लगा है, जिससे कई बार बेवजह समस्या अधिक बड़ी दिखाई देने लगती है। कुछ ऐसा ही मामला रविवार को भागलपुर शहर के भोलानाथ पुल अद्भुत मंदिर के समीप स्थित भागलपुर सिटी हॉस्पिटल से सामने आया है। दरअसल भागलपुर सिटी हॉस्पिटल में शनिवार को गंभीर हालत में हुसैनाबाद निवासी बीबी महजबी खातून को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहाँ रविवार को मरीज की मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं इसके बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और काफी पैसे लेने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद वहां लोगों की काफी भीड़ जुट गई, जबकि मीडिया कर्मियों को देखकर परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ और आक्रोशित हो गए। इधर हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे शाकचक पुलिस और हुसैनाबाद के स्थानीय पार्षद ने अस्पताल प्रबंधन और मरीज के परिजन से बात कर मामले को शांत कराया।
वहीं इसके बाद पार्षद और पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मृतिका के परिजनों को इलाज और जांच के दौरान खर्च हुए पैसे वापस कर दिए गए, जबकि अस्पताल के द्वारा एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इधर मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन के राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि हुसैनाबाद के 27 वर्षीय बीबी मजहबी खातून को शनिवार को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान डॉक्टर अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीज की स्थिति गंभीर होने की जानकारी दे दी गई थी। राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रबंधन के द्वारा मरीज को मायगन अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन परिजनों ने यहीं पर इलाज करने की बात कही, जबकि रविवार को मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद गलत ढंग से अस्पताल की छवि खराब करने का प्रयास शुरू कर दिया गया जो निराधार है। इसके अलावा इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी इस तरह के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि कुछ लोगों के द्वारा अस्पताल और डॉक्टर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि परिजनों को मरीज की हालत के बारे में पूरी बात पहले ही बता दी गई थी। हॉस्पिटल वो पेशेंट जो आई थी तो वो काफ़ी सीरियस पेशेंट थी, उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घटा हुआ था और 3 साल से पीड़ित थी, टीवी पेशेंट थी और उनका इलाज किया गया। इलाज के दरमियान में ही उनकी जो है मृत्यु हुई है और ये बात हम लोगों ने कह दिया था कि आपके पेशेंट सीरियस काफ़ी है, आप लोग अगर इच्छा है तो आप लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। तो वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग कहीं नहीं ले जाएंगे, आप यहीं ट्रीटमेंट कीजिए। कब भर्ती हुई थी? कल भर्ती हुई थी और आज उसकी डेथ हो गई और हमने जो भी पेमेंट वगैरह जो भी लिया हॉस्पिटल का, सारा पेमेंट उनको हम लोग लौटा चुके हैं, लौटा दिए। आए हुए थे उनके वार्ड पार्षद भी आए थे, वार्ड पार्षद ने कहा, थाना प्रभारी लोगों ने कहे कि आप इनका जो भी लिए हैं वो आप पेमेंट जो लौटा दीजिए। तो हम वही लगभग करीब 17-18 हज़ार का लिए थे, हमने उनको 20 हज़ार का रिटर्न कर दिया कि जाइए भाई कोई बताओ। एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल के तरफ से दे करके उनको घर तक छोड़वा दिए। ये तो गलत आरोप है। महजाबी खातून नाम की एक लेडीज आई थी जो उम्र करीब 27 साल है, जो काफ़ी सीरियस थी, इसकी ऑक्सीजन काफ़ी कम था और ये ऑलरेडी 3 साल से लगभग टीवी से ये सफ़र कर रही थी। इनका ऑक्सीजन कम होने के कारण सारी बातें इनको बता दिया गया था पूर्ण रूप से, ये पेशेंट आपका सीरियस, कहीं भी ले जा सकते हैं, बट ये अपनी मर्जी से हमारे पास ट्रीटमेंट दिए हैं, जिसका सारा सबूत हमारे पास है, एक्सरे भी है, लंग्स वगैरह काफ़ी डैमेज थे, लंग्स भी काफ़ी डैमेज रहा, सब चीज बता दिया गया है। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपानगर स्थित लकीकांत आचार्य लेन निवासी सर्वजीत सिन्हा और शुभम राज ने मोबाइल छिनतई की लिखित रिपोर्ट नाथनगर थाने में दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट में दोनों ने नानी घर जाने के दौरान बाबू टोला चौक के पास से एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल छिनतई करने की लिखित शिकायत की है। दिए गए आवेदन में बीते 25 जनवरी की शाम 4 बजे नाना से मिलने जाने के दौरान बदमाशों द्वारा मोबाइल छिनतई की बात कही गई है। इसको लेकर आवेदक ने बताया कि उसका परिचित मधुसूदन थाना क्षेत्र के भीमकित्ता निवासी छोटू तांती नाम के युवक ने किसी को कॉल करने के नाम पर उससे फोन मांगा और एक मोबाइल से फोन नहीं लगने पर उसके दोस्त से भी मोबाइल लेकर फोन मिलाने लगा। साथ ही आवेदन में छोटू तांती द्वारा दोनों का मोबाइल फोन पॉकेट में रखकर वहां से फरार हो जाने की बात कही गई है। वहीं इसके बाद जब उन दोनों ने आरोपित छोटू के घर वाले से इसकी शिकायत की तो परिजनों ने कहा कि छोटू घर पर नहीं रहता है और इसकी शिकायत पुलिस में करने की बात कही गई। साथ ही घर वालों ने भी छोटू द्वारा इस की हरकत ही रोजाना करने की बात कही। इधर मामले को लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खालिक उजमा ने बताया कि मोबाइल छिनतई की शिकायत पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको जैसे मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त का शादी हुआ था इधर 1 साल पहले, तो उसी रिश्ते से जानते थे, वो साला है उसका, अपना साला था, तो हम जान पहचानते, तो बोला फोन चाहिए हमको कॉल करना है, वो फ़ोन लिया हम लोग से, मेरे फ़ोन से कॉल लग नहीं रहा था, तो मेरा दोस्त था वहाँ पे, बोला क्या तुम्हारा फ़ोन दो, वो एक फ़ोन से दूसरे नंबर पे कॉपी कर रहा था दूसरे फ़ोन पे, तब तक मैं वो क्या हुआ फ़ोन लेके हम लोग का भाग गया। हम लोग जस्ट उसके घर पे गए थे, घर पे गए उस पर घर में बोले, वो लड़का भी वहाँ पे मिला, उसकी माँ से जो है ना कबुलवाएँ भी, तो वो लड़का बोला हम लोग का फ़ोन लिए थे, फ़ोन किसी को दिए थे हम उसका जो है चेहरा से वो लड़का पहचानते हैं, तो ऐसा बोला वो, तो हम लोग उसकी माँ को बोले, तो माँ उसकी बोली कि तुम लोग सुबह आओ हम फ़ोन लोग दिलवा देंगे, वरना हम खुद जाएंगे तुम लोग के साथ केस करने। सुबह गए तो क्या हुआ, लड़का को उसकी माँ फरार कर दी। उसका शादी कंझिया में हुआ है, कंझिया का मतलब कि वो जिस लड़की से शादी हुआ है उसी का भाई भीमकिता का रहने वाला निवासी है ये लड़का, नाम छोटू है, छोटू तांती नाम है।
तो ये मतलब मोबाइल जो है कॉल करने इमरजेंसी कॉल करने के बहाने से मतलब मांगा, और उसके बाद जो है ये एक मोबाइल से बोला कि नहीं कॉल हो रहा है, तो बगल में उनका एक दोस्त खड़े थे उसको बोला इससे नहीं लग रहा तुम्हारे पास है मोबाइल, वो बोला हाँ मेरे पास है, फिर ये उसका मोबाइल लिया, फिर दोनों कभी इससे लगाता कभी इससे लगाता, ऐसे करते करते दो हाथ आगे बढ़ा फिर दो हाथ और आगे बढ़ा, ऐसे करते करते लड़का भाग गया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव शहर अमीर गरीब हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव, पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के अमरपुर रोड स्थित सिमरिया कुमरत स्थित गुलमोहर इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन रविवार को नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, जिला परिषद सदस्य मिथुन कुमार झारखंड आरजे विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एम रजीउद्दीन और निदेशक मोहम्मद जकी अनवर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं उद्घाटन के बाद विधायक, जिला परिषद सदस्य और प्रति कुलपति समेत कई अतिथियों ने निदेशक मोहम्मद जकी अनवर को बधाई देते हुए इसे अच्छा प्रयास बताया। साथ ही कहा कि इसका लाभ आसपास के बच्चों को मिलेगा। इसको लेकर स्कूल के निदेशक ने बताया कि गुलमोहर इंटरनेशनल स्कूल में आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, ऑडियो विजुअल रूम, गतिविधि आधारित शिक्षा, अलग अलग विषय की योग्य शिक्षक शिक्षिका और बेहतर बुनियादी ढांचा के साथ कई तरह की सुविधा मौजूद है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रबंधन द्वारा कई चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, जिससे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। कोशिश में इस स्कूल का जो है आज शुभारंभ हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, और आगे चलकर अभी नर्सरी LKG UKG 1 क्लास का है, हर साल क्लासेस बढ़ती जाएंगी और 12th तक का यहाँ पे इस क्लासेस का इंतज़ाम रहेगा। हमारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जो स्टैंडर्ड क्लासरूम 500 स्क्वायर फीट के ओपन क्लास है, कलरफुल क्लास है, बच्चों के खेलने कूदने की सुविधा है, सेफ्टी सिक्योरिटी उसका इंतज़ाम है, प्लेग्राउंड की फैसिलिटी है, बस की सुविधा है, ये सारा चीज़ स्कूल में विथ मॉडर्न एड्स इसकी पढ़ाई होगी। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ भागलपुर की ओर से मोदी नगर परिसर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष प्रीतम विश्वकर्मा ने की। इस दौरान विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से विश्वकर्मा महासंघ के संगठन को मजबूत करने पर विचार किया गया। मौके पर डॉक्टर शिवशंकर शर्मा, राजेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, रंजीत शर्मा समेत काफ़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद थे। भागलपुर नाथनगर स्टेशन के समीप लेखराज रॉय लेन मुख्य बाजार में सभी दुकानदारों और स्थानीय लोगों के सहयोग से 24 घंटे का अष्टयाम सह संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसका समापन रविवार को हुआ। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार कर अष्टयाम संकीर्तन का शुभारंभ कीर्तन मंडली द्वारा किया गया, जिसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के धुन से अष्टयाम की शुरुआत की गई। वहीं इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया, जबकि अष्टयाम में राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी के तैलचित्र पर पूजा अर्चना की गई। इसको लेकर पंडित माना शुक्ला ने बताया कि सभी दुकानदारों और स्थानीय लोगों के सहयोग से 24 घंटे का अष्टयाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से सभी को जोड़कर आपसी प्रेम एवं सद्भाव के साथ विश्व की शांति की कामना की गई। नाथनगर स्टेशन के समीप लेखराज रॉय लेन में बहुत दिनों के बाद सभी दुकानदार भाई और स्थानीय लोगों के मदद से 24 घंटा का हरे राम हरे कृष्ण
का राम धुन का आयोजन किया गया, जो आज समापन है इसकी, कल ही प्रारंभ हुआ था संध्या 6 बजे से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।